नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह मुहावरा आज 6 जुलाई को उस समय मुफीद साबित हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के विधानसभा अजगरा में हरहुआ के पंचकोसी मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप हरियाली अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। उसी दौरान अजगरा विधानसभा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक कैलाश नाथ सोनकर अखबारों की सूचना देखकर पहुंच गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। विधायक जी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में बताया कि उन्हें कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया और यह कहकर रोका गया कि उनका नाम जनप्रतिनिधियों की सूची में शामिल नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुभाजपा के विधायक कैलाश नाथ। आज हरियाली का शुभारंभ करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे विधानसभा में हरहुआ पंचकोसी मार्ग से जो है उद्घाटन हुआ, जिसमें अखबारों में हमारा नाम भी गरमामयी उपस्थिति में दिया था और मैं अपनी विधानसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करने के लिए मैं वहां गया, लेकिन वहां पर लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम नहीं रहा। CDO साहब ने बताया कि यहाँ पे भाजपा कार्यालय द्वारा नाम भेजा जाता है जिसमें आपका नाम नहीं है, और इसलिए जो है और वहाँ TFC सेंटर पर भी वहाँ भी बताया कि पार्टी की मीटिंग है भाजपा की, इसलिए जो है नाम नहीं है। तो हम फिर वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर नहीं मिल पाया। आप इससे आहत हैं कि आपके विधानसभा में मैं प्रधानमंत्री जी आए और आपको वहाँ पर बुलाया नहीं गया, आपको एंट्री नहीं देने दिया गया? हम बहुत आहत हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य मिला वो गरीबों के जो है वोटों से मिला, गरीबों के जो है साथ देने से मिला, क्योंकि गरीबों ने उनको। आप अपना बात बताइए कि आपको वहाँ सम्मान मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, जब वही मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में गरीब व्यक्ति जो किसी भी वहदे पे पहुंच जाए उसका मान सम्मान है, नहीं है आज इस शासन और सत्ता में। मतलब कि BJP दूसरे विधायकों को, दूसरे पार्टी के विधायकों को सम्मान नहीं करती है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मजे की बात है कि सूबे की योगी सरकार में सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल थे, तब योगी सरकार के खिलाफ उनके बयान मीडिया की सुर्खियां बनते रहे, किंतु लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने वाली BJP सरकार ने बिना समय गवाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित उनकी पार्टी के आधा दर्जन नेताओं को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया और यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार में ऐसे बड़बोले नेताओं की कोई जगह नहीं है। ऐसे में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सूबे की योगी सरकार ने किनारा कर लिया उस पार्टी के विधायक को आखिर क्यों बुलाया जाएगा? विधायक जी के द्वारा जारी वीडियो में उन्हीं की पार्टी के एक नेता घुमा फिराकर सवाल पूछ रहे हैं और विधायक जी प्रधानमंत्री के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं, क्योंकि विधायक जी भली प्रकार जानते हैं कि अगली बार वे अपने दल से विधायक बन भी पाएंगे या नहीं, यह बता पाना मुश्किल है। 7 बार 9 त्यौहार के शहर बनारस में 3 दिवसीय रथयात्रा मेले का अपना अलग महत्व है। रथयात्रा मेले के अंतिम दिन दर्शनार्थियों की भारी भीड़ ने रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अलौकिक झांकी का दर्शन कर धन्य हुए। देखिए क्लाउन टाइम्स की रिपोर्टर प्रतिमा पांडे के साथ रथयात्रा मेले का अलौकिक नज़ारा। आज में सुबह उनको केले का भोग लगा और भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा गया। बस आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सुनी जनता की फरियाद। मंत्री के सामने हर वर्ग के सैकड़ों की संख्या में जुटे फरियादियों की फहरिस्त में बनारस ही नहीं, पूर्वांचल के कई जिलों से दर्जनों फरियादियों ने आकर अपनी समस्याओं से उन्हें इस उम्मीद के साथ अवगत कराया कि उन्हें जरूर सहायता मिलेगी। मंत्री जी भी पूरे धैर्य के साथ बनारस सहित अन्य जिलों से आए फरियादियों की बातों को न केवल सुना बल्कि संबंधित जिले के आला अधिकारियों को इस भरोसे और विश्वास के साथ फ़ोन लगाकर निवेदन किया कि उन्हें यथासंभव मदद मिले। कुल मिलाकर अगर पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय बनारस में पूरे पूर्वांचल से आए फरियादियों को ऐसे ही मदद मिलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब केंद्र की मोदी सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास के साथ ही सभी का विश्वास जीतने में जरूर कामयाबी मिलेगी। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।